नमस्ते फ्रेंड्स, कई बार आपने महसूस किया होगा कि घर के सारे काम करने के बाद, बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद भी हमारा पेट काफ़ी फूल जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पेट निकल रहा है या हमारा वजन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत पतले इंसान का पेट भी काफ़ी सारा निकल जाता है। ब्लोटिंग कहते हैं इसे, पेट का फूलना, प्लस कई बार सुइयां सी चुभती है, पेट में दर्द होता है, समझ नहीं आता कि ये कौन सा दर्द है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गलत तो नहीं खा लिया हमने। कभी कभी अगर ये चीज़ हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन अगर रेगुलर डेज पर आपको हो रही है, लाइक आप रात में सोए और सुबह उठे और आपका पेट काफ़ी फूला हुआ है, इतना बड़ा हो रहा है कि आप बार बार अपने पेट को चेक कर रहे हैं कि मुझे क्या हो गया है, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो चलिए आपको एक घर का नुस्खा मैं बता रही हूँ। ये नुस्खा आप 3 से 4 बार ट्राई कर लीजिएगा, आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं फूलेगा आपका पेट, ये गारंटी से मैं बोल रही हूँ। तो आपको लेना है 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 चुटकी हींग और गुनगुना पानी लेना है आपको 1 गिलास, और सोने से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले आपको गुनगुने पानी के साथ ये दोनों चीज़ें ले लेनी हैं, और एक एक सिप भर के गुनगुना पानी आपको पीना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने काला नमक और हींग ले लिया और सीधा पानी आप जल्दी जल्दी पी गए, तो ऐसे नहीं करना है। जैसे हम चाय पीते हैं एक एक घूंट, बिल्कुल ऐसे आपको पीना है। तो बिल्कुल ऐसे जब आप ये पानी पियेंगे ना, तो पेट की सारी तकलीफ कम होगी, रात में आपको आराम से नींद आएगी। कई बार बेचैनी होती है पेट में, गैस्ट्रिक भी लगती है हम लोगों को, एसिडिटी भी लगती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ब्लोटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जो पेट फूल रहा था आपका वो बिल्कुल नहीं फूलेगा। और पानी पीने के बाद बैठकर कोई काम ना करें, जैसे मैं बैठकर वहाँ पर अपनी टेबल क्लीन कर रही थी, तो बैठना नहीं है आपको, उठना है। उठकर आप कुछ ऐसे काम करिए, जैसे कि घर में आप अगर कोई काम अगर आपके पास नहीं है, तो सीधा घर में 2-3 बार चक्कर लगा लीजिए, घूम लीजिए, तो कुछ स्टेप जब आप चलेंगे ना तो बहुत बढ़िया असर होगा। नहीं तो फिर आप ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे बेड अरेंज करना है, कुछ सामान अगर इधर उधर पड़ा है तो वो अरेंज कर लीजिए, तो इस केस में पूरी बॉडी की एक्टिविटी होगी और जो पानी, नमक, हींग हमने लिया है वो अच्छे से असर करेगा। तो जब भी आपको शिकायत हो, पेट में सुई चुभने वाली, पेट में गैस्ट्रिक की शिकायत हो, या फिर आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो ये आप 2 दिन में 1 बार लेना, रेगुलर नहीं लेना है। और ये देखिए मेरी बेटी ने जो टॉप बनाया था ना क्रोसिया वाला, ये हो चुका है कंप्लीट, बहुत सुंदर बना है ये, बहुत ही बढ़िया। आप भी मुझे बताना कैसा लगा, और ये रेमेडी जरूर ट्राई करना, आपको फ़ायदा होगा। तो घर के काम के साथ साथ ना, आप जब ये अपने रूटीन में फॉलो करेंगे ना, तो पेट की सारी समस्याएँ ख़त्म होगी, और जिन किसी का भी पेट गुब्बारे की तरह फूलता है ना, बिल्कुल नॉर्मल होगा। आप मेरा पेट देख सकते हैं, अक्सर मुझे भी ऐसी शिकायतें होती थी, लेकिन जब से मैंने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, लाइफ एकदम बढ़िया हो गई है, पेट वगैरह कुछ नहीं निकलता, घर के सारे काम भी हंसते खेलते हो जाते हैं। तो आप अपने रूटीन में इसे फॉलो करना, और घर के काम भी करते रहिएगा साथ साथ। डेली रूटीन की सारी एक्टिविटीज़ जब आप करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में कई तरह के फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।